आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां के घाटी गांव थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई हाईवे पर तीन हथियारबंद लोगों ने एक ट्रक मालिक पर जानलेवा हमला किया है। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें तीन गोली ट्रक मालिक अनवर को लगी है, जबकि अनवर का बेटा अबरार हमला होते ही जंगल की ओर भाग गया। बताया जा रहा है कि ये 10 साल पुरानी रंजिश की वजह से किया गया है। ट्रक मालिक अबरार जयारोग्य अस्पताल में भर्ती है, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पुलिस के मुताबिक भूरा जाट, हीरा जाट सहित तीन लोगों ने हमला किया है। फिलहाल पुलिस ने भूरा जाट सहित तीन लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। मारुति बहन आई, उसने आगे से लगा दी गाड़ी, आगे से गाड़ी लगा दी। जैसे ही वो आया, एकदम उसने ब्रेक दे दिए गाड़ी के, और उसमें से तीन लोग उतरे, उन्होंने तुरंत गेट खोल के मेरे ऊपर फायर किया, और जिसमें से पिताजी के मेरे गोली लग गई। पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश के लिए कल से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और कई कुछ लोगों को संदेह के दायरे में लेकर पूछताछ के लिए पुलिस ने पकड़ा है, और उसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें कुछ पुरानी रंजिश समझ निकल के सामने आई है।